क्या बोला है? पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन एज शोन इन फिगर. पोजीशन टाइम ग्राफ हमको दे रखा है, मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड. 0 से लेके 6 सेकेंड तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ. अगर आप गौर से देखोगे तो इसका मोशन किस तरीके से हो रहा है. सबसे पहले टी इक्वल्स टू 0 पे, वो 0 पे है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे. जब टी की वैल्यू 2 हो गई, जब टी की वैल्यू 2 हो गई तो इसकी पोजीशन हो गई 40 मीटर. ये चला 40 मीटर इस तरीके से. फिर जब टी की वैल्यू 4 सेकेंड हो गई, इसका तब उसकी पोजीशन हो गई 0. इसका मतलब कि इसके बाद उसकी पोजीशन में डिक्रीमेंट आया, इसका मतलब वो वापस चला इस तरीके से और टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे यहां पे पहुंचा. फिर टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे उसकी पोजीशन है -20 मीटर. तो टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे ये चला -20 इस तरफ, और फिर टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे अगेन 0. इसका मतलब वो वापस यहां से चला और टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे यहां पे पहुंचा. तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. टी इक्वल्स टू 0 पे यहां, टी इक्वल्स टू 2 पे यहां, फिर यहां से अगेन टी इक्वल्स टू 4 पे यहां, फिर यहां से पीछे गया टी इक्वल्स टू 5 पे यहां, और अगेन टी इक्वल्स टू 6 पे वापस यहां से यहां आ गया टी इक्वल्स टू 6 पे. तो इस तरीके का इसका मोशन हुआ. अब मुझसे पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड में ये जो डिस्टेंस है, सबसे पहले मुझे दे रखा है 40 मीटर और ये डिस्टेंस है 20 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर में सबसे पहले वो 40 चला, 40 वापस आया तो 40 और 40 80, फिर इधर 20 चला तो 80 प्लस 20 100, और फिर वापस 20 आया तो ये हो गया 120. इसी चीज को आप ग्राफ से भी देख सकते थे. यहां से लेके यहां तक ये कितना चला? 40 मीटर. यहां से लेके यहां तक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव. यहां से लेके यहां तक ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव. लेकिन डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये भी 40 हो गया यहां तक. फिर यहां से लेके यहां तक अगेन 20. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चला? 20. अगेन ये कितना चला? 20. तो 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 40 120. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 120 मीटर. चलिए, मुझसे पूछा है नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल पोजीशन भी ओरिजिन, फाइनल पोजीशन भी ओरिजिन. मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल वाई एक्सिस में कहीं मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब पोजीशन उसकी चेंज नहीं हुई. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 120 मीटर और टाइम लगा 6 सेकेंड. तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 6, विच इज इक्वल टू 6 × 6 = 20 मीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर.